हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मार्केट में बैंक निफ्टी में और निफ्टी में बहुत बड़ा क्रैश आया, यही बोल सकते हैं हम, क्योंकि मार्केट में अभी तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट इतने वीक है और सब तरफ ग्लोबल मार्केट में सेलिंग आ रही है। अगर हम जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट सीधा 20% फॉल हुआ है। आज 15% रिकवर होके 14-15% पे क्लोज हुआ है। लेकिन अगर आप टॉप से बात करें जाए तो जापान मार्केट 30% अबव कोलेप्स हुआ है, और बाकी हमारे यूएस मार्केट है, डाउजोन से वो भी 2000 पॉइंट नीचे है। तो अपना मार्केट आज गैप डाउन खुला, और हम निफ्टी की बात करेंगे पहले, और देखेंगे कल के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है। देखो, आज जब निफ्टी ओपन हुआ तो सीधा हम पहले पहले ही दिन, अब 2 दिन पहले हम जाकर देखेंगे तो 2 दिन पहले आपको समझ में आएगा कि हमने ऑल टाइम हाई लगाया था थर्सडे के दिन 25,000 का। सही है, हम राउंड नंबर से गिरे, गैप डाउन हुआ, और ये जो गैप डाउन फ्राइडे के दिन हुआ है, ये जो जो ऊपर दिख रहा है आपको गैप डाउन जो फ्राइडे के दिन हुआ है, ये जो गैप फिल करने के लिए मार्केट नहीं गया और सीधा इधर मार्केट क्लोज हुआ 24,700 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। और आज अगर देखेंगे तो सीधे हम खुले 24,300 पे, और उसके भी नीचे हम गए सीधे 24,000 के नीचे। अब कल क्या होगा? अब कल की बात की जाए तो आज रात में फेड की मीटिंग है, इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने अरेंज की है। इंटरेस्ट कट हो गए या इंटरेस्ट बढ़ेंगे इस पे हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर इंटरेस्ट कम हो जाए तो लगता है मार्केट में एक बुल रन फिर से आ सकता है। यही मार्केट का एक, यहाँ से मार्केट फिर से बिग गैप अप की तरफ कल जा सकते हैं। लेकिन अगर अगर वैसा कुछ हुआ नहीं और फेड की मीटिंग में कुछ उल्टा हुआ तो फिर हम फिर से नीचे डिप देख सकते हैं। तो कल आज रात में जो फेड की मीटिंग है उस पर पूरा डिपेंड है। प्राइस एक्शन वर्क नहीं करेगा, पूरा न्यूज़ वर्क कर रहा है। फिलहाल तो मार्केट, हर एक मार्केट न्यूज़ ही वर्क कर रहे हैं सब तरफ। अगर प्राइस एक्शन तो भी देखे तो ऐसा लग रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे पहले, डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन से हिसाब से लग रहा है मार्केट नीचे ही जाएगा। मार्केट कुछ भी रिकवर नहीं किया है। मार्केट आज सीधा 400 पॉइंट खुलने के बाद भी 800 पॉइंट नीचे गया, और अब 600-650 पॉइंट में क्लोज हुआ है, मतलब 2.5% हम नीचे क्लोज हुए। मार्केट में एकदम बेरिशनेस है, ऊपर जा ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है, वो कहाँ से पुल बैक, अच्छे से पुल बैक ले नहीं रहा है। अभी सिर्फ एक साइडवेज रेंज में बनाया, उसने 100-200 पॉइंट की रेंज बनाया। अब हम 24,000 के नीचे कल खुल रहे हैं, पूरा गैप डाउन खुल रहे, तो फिर हम फिर से पुट साइड या नीचे के साइड ट्रेड बना सकते हैं। फिर हम सीधा 23,500 भी देख सकते हैं, 23,500, क्योंकि फिलहाल तो सब मार्केट क्रैश हो रही है। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी सीधा 800 पॉइंट गैप अप होने के बाद फिर से 800 पॉइंट नीचे, गैप डाउन होने के बाद फिर से 800 पॉइंट नीचे गया, और अभी ये भी ज़्यादा मतलब पुल बैक नहीं लिया है। अच्छा, जो हम बोलते हैं रेंज में ही है मार्केट अभी, जो लो लगाया था मार्केट ने 49,700 का, और अभी हाई लगाया है 50,200 का, मतलब नहीं, ये पुल बैक नहीं है, ये एकदम लोअर रेंज पे मार्केट क्लोज हुआ है ऐसा बोल सकते। अगर न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कल गैप अप होना चाहिए, क्योंकि फेड की मीटिंग क्या होगी, रेट कट होंगे तो गैप अप होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ वैसा नहीं होता है, तो अगर गैप डाउन होता है तो फिर हम फिर से पुट साइड ट्रेड ले सकते हैं। कल हम हमारी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी हम देखेंगे, बैंक निफ्टी निफ्टी तो मैंने बता दिया, फिर निफ्टी देखेंगे। फिर निफ्टी भी सीधा सेम बिहेव कर रही है जैसे बैंक निफ्टी कर रही है, तो हम यही लेवल मार्क करेंगे फिर निफ्टी में नीचे के लेवल। अगर यहाँ मार्केट कहीं खुल रहा है, अगर देखो हाँ यहाँ मार्केट कहीं खुल रहा है तो यहाँ से बाउंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये जो डबल बॉटम बना के बाउंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे खुल रहा है तो हम फिर से नीचे की तरफ 24-22, अभी जो 1 मिनट जो लो लगाया है 22,600 है, तो हम सीधा 22 भी देख सकते हैं या 22,200 भी देख सकते हैं। अगर पिछले 1 आवर्स के कैंडल पे हम देखेंगे, पिछले सपोर्ट की बात की जाए तो पीछे का सपोर्ट दिख रहा है, चलो ये पकड़ते, ये गैप पकड़ते, ये वाला गैप पकड़ते सीधा 500 वाला, और अगर उसके भी नीचे जा रहा है तो हम नीचे टारगेट ओपन रख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कल गैप डाउन होगा,
शायद, क्योंकि बैंक शाम को जो न्यूज़ है फेड की, तो अगर फेड ने, अगर हम कल फिर से इधर ओपन हुए हैं, तो फिर हम फ्लैट ओपन हुए तो यहाँ से हम बाइंग ट्रेड देख सकते हैं, 22,600 से बाइंग ट्रेड देख सकते हैं हम डबल बॉटम के हिसाब से। लेकिन अगर बिग गैप अप हो रहा है तो फिर ये गैप फिलिंग को भी हम जा सकते हैं, अगर बिग गैप अप हो रहा है, बहुत बड़ा गैप अप हो रहा है तो गैप फिल के लिए जा सकते हैं। देखते हैं मार्केट कल कैसा होगा। आज जो मार्केट था उसमें अच्छा पैसा बना है पुट सेट, जो इधर से मार्केट क्रैश हुआ था बैंक निफ्टी में, जिन्होंने भी प्रीमियम उठाए हैं लो के नीचे, अगर हाई पे अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा नीचे, अगर तुमने लो के नीचे भी आपने ट्रेड बनाया होगा तो अच्छे पॉइंट्स 800 पॉइंट मिले हैं आपको। चलो तो ठीक है, कल देखते हैं कैसा होगा। हमारा ये यूट्यूब चैनल है, रोज़ हम एनालिसिस की वीडियो डालते हैं, तो इसको भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और जो हम इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट भी डालते हैं और टेलीग्राम पे भी डेली अपडेट डालते हैं, तो उसके लिंक्स मैं बायो में दे दूंगा, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू।